मेरिट साबित कर दिया है, सिंसियरिटी साबित की है। गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ आगे छोड़ दीजिए। नमस्कार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार सरकार के द्वारा बीपीएससी के नवनियुक्त शिक्षकों को टैग दिया जाएगा। जी हां, आपको बता दिए कि नीतीश सरकार दिवाली गिफ्ट देने जा रही है नवनियुक्त शिक्षकों को, और टैग दिया जाएगा ताकि वो अपना काम कर सके। एक तरफ जहां सरकार शिक्षकों को तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है, जहां पे पिछले दिनों ये भी बात कहा गया था कि शिक्षकों को उनके स्कूल के नियर बाय में मकान दिया जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, शिक्षा विभाग को ठीक करने में लगे हुए हैं, और तमाम जो प्रशिक्षण केंद्र है जहां पे नवनियुक्त शिक्षक रह के प्रशिक्षण ले रहे हैं, उन तमाम चीजों का वो निरीक्षण करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में कल के पाठक जो है वो खगड़िया पहुंचे हुए थे, जहां पे उन्होंने नवनियुक्त शिक्षकों को तमाम उचित दिशा निर्देश दिया और कहते हुए नजर आए कि अब आपने अपने मेरिट को साबित कर दिया है, अब आपको बारी है कि आप अपनी ईमानदारी को दिखाएं। आपकी नियुक्ति जो है वो गांव की स्कूलों में की गई है, आप वहां पे जाएं और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं। सबसे पहले हम आपको खगड़िया के एक वीडियो को दिखाएंगे, जिसमें के पाठक शिक्षकों को दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। अरे गिर जाएंगे, गिर जाएंगे, गिर जाएंगे। कैसे कर मेरिट साबित कर दिया है, सिंसियरिटी साबित की है। गांव में रहना है, गांव में पढ़ाना है। अगर आप गांव में नहीं रह सकते तो ये नौकरी आपके लिए नहीं है, मैं कह रहा हूँ आगे छोड़ दीजिए। गांव के निवासी ऐसा है, गांव में ही रहेंगे। और गांव वालों को सहरसा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरे राज्य में गांव के लोगों में अब बड़ा जोश है, वो आपका इंतजार कर रहे हैं कि आप आएंगे उनके गरीब बच्चों को सिखाएंगे, उनको वो पढ़ाएंगे जो पढ़ाई शहर के अंग्रेजी स्कूलों में नहीं होती, उससे ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। और 5 साल में ये हो जाना चाहिए कि जो अच्छे बच्चे हैं वो ये कहेंगे कि अगर हमें अच्छी पढ़ाई करनी है तो हमें सरकारी स्कूल में जाना है। यस सर। क्यों? क्योंकि अब आप लोग आएंगे। यस सर। ठीक है, तो हमारा जनता को भी लेट डाउन मत कीजिए, जनता को बड़ी आपसे आशा है, ये सरकार को। यस सर। ठीक है, यस सर, हम लोगों को लेट डाउन मत कीजिए, स्कूल जाएंगे और मेहनत से पढ़ेंगे। तो आपने के पाठक का वीडियो देखा, किस तरीके से वो उचित दिशा निर्देश देते हुए नजर आए हैं और कहते हुए भी नजर आए हैं कि अगर आप लोग गांव में नहीं रहना चाहते, अगर आपको गांव पसंद नहीं है, तो मैं तो कहता हूं आप अपने जॉब को छोड़ दें, क्योंकि अब आपको गांव में रहना होगा, ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना होगा ताकि बच्चों का भविष्य जो है वो बेहतर हो सके। आने वाले समय में लोगों के मन में जो अवधारणा बनी हुई है सरकारी स्कूल को लेकर, वो अब खत्म करनी है, ऐसा के पाठक कहते हुए नजर आए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में भी देखा है। लेकिन अब जो है बिहार सरकार के द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों को टैब गिफ्ट किया जाएगा, जिससे शिक्षक वो तमाम काम करेंगे जो कि उन्हें आदेश दिया जाएगा, जिस काम के लिए उन्हें निर्देश दिया जाएगा, वो तमाम काम उस टैब के द्वारा करेंगे। और के पाठक भी लगातार लगे हुए हैं शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने में, और इसी कड़ी में वो तमाम ट्रेनिंग यानी कि प्रशिक्षण केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, नवनियुक्त शिक्षकों से जाके बात कर रहे हैं। आपने वीडियो में भी देखा है कि किस तरीके से के पाठक तमाम दिशा निर्देश को देते हुए नजर आए और कहते हुए नजर आए हैं कि अब आपने बीपीएससी के द्वारा हुई परीक्षा में अपनी मेरिट को साबित कर दिया है, अब आपकी बारी है ईमानदारी दिखाने की, ईमानदारी से स्कूलों में जाइए, बच्चों को पढ़ाइए। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।